बेंगलुरु में नए साल पर छेड़खानी की घटना के बाद एक और छेड़खानी की वारदात हुई। हैरान करने वाली बात यह थी कि इस वारदात में लड़की बुर्के में थी, लेकिन इस मामले में पुलिस ने जब आरोपी को पकड़ा तो बेनकाब हुआ एक हैरान करने वाला सच। बेंगलुरु में सरेआम छेड़खानी की इस घटना ने देश भर में चल रही बहस को और हवा दे दी थी। इससे पहले नए साल के जश्न में एक लड़की से छेड़खानी के बाद 6 जनवरी को बुर्का पहने इस लड़की के साथ छेड़खानी के इस वीडियो ने मंचलों की सोच पर सवाल खड़े किए, क्योंकि ऐसी घटनाओं में लड़कियों के पहनावे पर भी सवाल उठने लगते हैं। लेकिन इस वीडियो में तो साफ है कि लड़की सिर से पांव तक कपड़ों से ढकी हुई है। बेंगलुरु के केजीहली इलाके में 6 जनवरी की सुबह ये लड़की अपने काम पर निकल रही थी। वो बस पकड़ने के लिए घर से पैदल निकली, इसी दौरान एक शख्स ने लड़की के साथ छेड़खानी की। लेकिन जांच में जुटी पुलिस के सामने जो हकीकत आई उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पुलिस ने इस आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया तो हुआ हैरान करने वाला खुलासा। पुलिस के मुताबिक 34 साल का इरशाद नाम का ये शख्स अपनी पत्नी की छोटी बहन से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की से लेकर परिवार तक बात नहीं बनी तो इरशाद ने रची लड़की को बदनाम करने की साजिश। प्लान्स दिस पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ही फर्स्ट सर्चेस अ पर्टिकुलर कैमरा एंड देन द एंटायर एपिसोड गोज ऑन। सो दिस इज हाउ what he thinks is once she is maligned in such incident, nobody will marry her, and then he will convince his own wife that I will marry her, and then the life will go. That was his plan. बकौल पुलिस, इरशाद ने खुद ये वीडियो शूट किया और सार्वजनिक किया। इतना ही नहीं, वारदात की शिकायत करने भी वो लड़की के साथ खुद पुलिस के पास पहुंचा। When he came to police station along with the complainant, he was shouting and he was complaining that police is not doing any work, there is no law and order in our area. He was shouting, complaining on it. He fooled some organized social organizations also to garner support and make them also to come to police station. And then instead of coming to police directly, he deliberately releases the video to media. पुलिस इरशाद नाम के शख्स से अभी और पूछताछ कर रही है। नोलन पैट्रिक पिंटो, बेंगलुरु आज तक।